एवरीवन, जस्ट कंफर्म करो कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। हाँ, यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर वन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू स्वराज लिमिटेड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या दिया है हमें? बजटेड सेल्स 2,60,000 रुपीज़, 2,60,000 पर एनम। अब बजटेड सेल्स जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया है, ये जो 2,60,000 पर एनम इन रुपीज़ दिया हुआ है ना, इसे हम लोग अगर यूनिट में कंसिडर करते हैं, इसे हम लोग अगर यूनिट में कंसीडर करते हैं तो आई थिंक ये प्रिंटिंग मिस्टेक था। 2,60,000 का 2,60,000 डिवाइड, ठीक है, तो अगर ये रुपीस में दिया है तो इन रुपीस के हिसाब से क्या क्या इंफॉर्मेशन में एडिशनल दी है वो पहले पढ़ लेते हैं। बजटेड सेल्स रुपीस 2,60,000 पर एनम। एनालिसिस ऑफ सेल्स पर यूनिट, जिसमें रुपीज में पर यूनिट के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें रॉ मटेरियल की वैल्यू है ₹3, डायरेक्ट लेबर 4, ओवरहेड 2, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो हमारी बन जाती है 9, प्रॉफिट उसमें हम लोग ऐड करते हैं ₹1, सेलिंग प्राइस जो होगी वो सेलिंग प्राइस हमारी होगी ₹10। अगर हम लोग को सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है और बजटेड सेल्स जो है वो हमें टोटल ओवरऑल नंबर्स में यहाँ पर रुपीज़ में हमें दिया हुआ है, अमाउंट में दिया हुआ है, तो हमें पर यूनिट इजीली कैलकुलेट करते आएंगे। 2,60,000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 विल गिव अस द 26,000 एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ बजटेड सेल्स। हम लोग कैलकुलेशन में आंसर में देखेंगे कि इसे किस तरह से कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। आगे क्या दिया है? इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रॉ मटेरियल्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 3 वीक्स एंड फिनिश गुड्स फॉर 2 वीक्स। अब ये 3 वीक्स और 2 वीक, ये दिया क्या है? ये हमारा होल्डिंग पीरियड है कि रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, इसके लिए हम लोग को जो होल्डिंग पीरियड दिया है वो यहाँ पर हर एक के लिए मेंशन किया गया है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट आइटम। ये डिफरेंट आइटम कौन से होंगे जिनके लिए होल्डिंग पीरियड दिया होगा? तो ये सभी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, प्रीपेमेंट, एडवांसेस, कैश बैंक बैलेंस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओवरहेड्स या बैंक ओवरड्राफ्ट, इनमें से कोई भी हो सकते हैं या ये सभी हो सकते हैं। उनके बेसिस पे एडिशनल क्या क्या होल्डिंग पीरियड किस किस एक्सपेंसेस के लिए दिया हुआ? फैक्ट्री प्रोसेसिंग, फैक्ट्री प्रोसेसिंग टेक्स द 3 वीक्स, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कुछ सप्लायर्स अलाउज 6 वीक क्रेडिट। सप्लायर्स हमारे कौन होते हैं? क्या डेटर्स या क्रेडिटर्स? ऑब्वियसली जिनसे हम लोग माल रॉ मटेरियल परचेस करते हैं वो हमारे लिए सप्लायर होते हैं। जो हम लोग क्रेडिट पे परचेस करते हैं वो सप्लायर हमें उनके सेटलमेंट के लिए 6 वीक्स का क्रेडिट हमें देते हैं, राइट? कुछ डेटर्स हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो सेटल करने के लिए जो हम लोगों ने उन्हें सेल किया है क्रेडिट सेल, उनका पेमेंट हम लोगों को वापस करने के लिए वो 8 वीक का क्रेडिट लेते हैं हमसे। तो इनके बेसिस पे हम लोगों को ओवरऑल वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। एडिशनल क्या दिया हुआ है? अज्यूम दैट द प्रोडक्शन एंड ओवरहेड्स अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर। जो प्रोडक्शन एंड ओवरहेड्स जो है वो प्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीट पूरे साल भर के लिए चलता है, ओवरहेड्स भी जो होते हैं वो ओवरहेड्स भी हम लोग पूरे साल भर के लिए वहाँ पे इनकर करते हैं, उनके लिए पेमेंट करते हैं। अल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस एज पर द टंडन कमेटी रिकमेंडेशन। ये टंडन कमेटी का रिकमेंडेशन कौन सा है? तो जो हम लोगों ने यह सीखा है, ये रिकमेंडेशन टंडन कमेटी का है कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टंडन कमेटी जो अपॉइंट की गई थी उन्होंने वहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्या दिया है?
assuming that the current assets 15% is the core current asset. ये core current asset क्यों दी हुई है? तो जो additional calculation Tandon committee के values में है, point number 3 में, maximum permissible banking finance calculate करने के लिए, method number 3 में, वो core current asset कितनी होगी? तो ये percentage दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 15%, जो कि हमारे current asset के 15% होंगे। अब इन्हें calculate करने के लिए हम लोगों को करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज इन्हें कैलकुलेट करना होगा। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो चलो एक के बाद एक एक सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को गौर से पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आई। कॉस्ट स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो पर यूनिट दिया हुआ है, बजटेड सेल जो दिए हैं वो इन अमाउंट दिए हुए हैं, तो इनको हम लोगों को यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, बजटेड सेल्स के यूनिट्स को, राइट। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के होल्डिंग पीरियड दिए हुए हैं, वो होल्डिंग पीरियड हमारे दिए हुए हैं वीक के लिए, पर वीक के लिए, राइट। तो वीक में जो इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें हमारे यूनिट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमें वहां पे क्या करनी होगी, वीक में कंसीडर करनी होगी, कन्वर्ट करनी होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में, यू नो, वन सिंगल डे अगर हम लोग 500 यूनिट कंज्यूम करते हैं, इन वन सिंगल डे 500 यूनिट कंज्यूम करते हैं, और हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो रॉ मटेरियल के लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो, अगर रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड जो है वो होल्डिंग पीरियड 2 वीक दिया हुआ है, तो एक तो हमें होल्डिंग पीरियड जो है उसे कंसिडर करना है, और इन वन डे ऑफ 500 यूनिट्स जो है इसे कन्वर्ट करना है 2 वीक्स में। एक दिन में 500 यूनिट लगते हैं, तो 2 वीक में आने वाले 14 डेज के लिए कितने लगेंगे? तो सिंपली 500 इंटू 14, जो कैलकुलेशन आएगा 7000 यूनिट्स, ये 2 वीक की होल्डिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल के लिए। ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन एक जैसे क्यों करना है? क्योंकि आगे चल के वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त डिफरेंस जो है वो हमें होल्डिंग पीरियड में दिए गए जो वैल्यूज हैं उसके लिए निकालना होता है, राइट। जो पीरियड दिया है उसके लिए, तो एक दिन का हम लोग वर्किंग कैपिटल पूरे 2 वीक की होल्डिंग पीरियड के लिए कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए वर्किंग कैपिटल भी उसी हिसाब से हम लोग कंसीडर करेंगे जो गिवन पीरियड दिया हुआ है। ये कैसे दिया जाता है? ये कभी कभी इन डेज दिया जाता है, इन वीक, इन मंथ और इन ईयर, इस तरह से दिया जाता है। ईयर के बारे में नहीं होता, जनरली मंथ या डेज में ही होता है, मंथ डेज एंड वीक में ही। ओके चलो, तो एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे द बजेटेड सेल्स यूनिट्स, राइट। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, या बजेटेड यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीका होगा, सेल्स इन अमाउंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट सेलिंग प्राइस। गिवन क्वेश्चन में सेल्स इन अमाउंट जो था वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,60,000, 2,60,000 अपॉन पर यूनिट सेलिंग प्राइस। अगर ये पर यूनिट सेलिंग प्राइस का ये कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें प्रिपेयर करना होता, राइट। तो वो कॉस्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखा है उस हिसाब से हम लोग इसे कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। 2,60,000 टोटल अमाउंट है पर एनम के लिए, पर यूनिट सेलिंग प्राइस है ₹10। अल्टीमेटली जो आंसर मिलेगा हमें वो होगा 26,000 यूनिट्स, 26,000 यूनिट्स पर एनम। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को होल्डिंग पीरियड जो दिए हैं वो वीक में दिए हुए हैं। फॉर दैट पर्पज वीकली
सेल्स यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वीकली सेल्स यूनिट्स मतलब क्या, कि हम लोग उतने यूनिट्स फिनिश गुड्स के सेल करने वाले हैं एक पर्टिकुलर वीक में, वो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर पूरे साल भर के लिए दिया है और वीकली कैलकुलेट करना है, तो वीकली सेल्स यूनिट के लिए फॉर्मूला प्रोडक्शन इन यूनिट्स पर एनम अपॉन टोटल वीक्स या फिर टोटल वीक इन अ ईयर। और स्टैंडर्ड जो ईयर्स इन अ वीक इन अ ईयर होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट जो यहाँ पर दिए हुए अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए 26,000। और स्टैंडर्ड वीक एक साल में, पूरे साल भर में 52 वीक्स यहाँ पर हमारे होते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली कितने यूनिट्स हमारे पर वीक यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएंगे, तो 500 यूनिट्स पर वीक ये हमारे लिए आंसर मिलेगा। जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग यहाँ पर बोल्ड करके रख देंगे। 26,000 यूनिट्स पहले हमें पूरे साल भर के लिए मिले, उसके बेसिस पे हम लोगों ने वीकली यूनिट्स फाइंड आउट किए। अब वीकली यूनिट्स फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों को रिक्वायरमेंट और एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए अमाउंट, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग में हम लोग क्या सीख रहे हैं, कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। अब कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड होने के लिए हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर लगेगा, जो कॉस्ट स्ट्रक्चर पर्टिकुलर बजटेड सेल्स के लिए होगा, और ये कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूनिट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी को इस्तेमाल करके हम लोगों को एडिशनली वीकली कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, राइट। पर यूनिट का जो दिया है उसे ही वीकली कॉस्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा वो बनेगा वीकली कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड अमाउंट रिक्वायरमेंट्स। क्या किया हम लोगों ने, पहले पर यूनिट के लिए कितने यूनिट्स, सॉरी पर वीक के लिए कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और सेल करने हैं वो फाइंड आउट किए। उसके बेसिस पे अब हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर और अमाउंट की रिक्वायरमेंट जो होगी वो पूरे एक पर्टिकुलर वीक के लिए कितनी होगी उसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, हर एक के लिए, सपोज फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर देन कैलकुलेशन एंड अमाउंट रिक्वायरमेंट, आपको सबको समझने के लिए कॉलमनर फॉर्मेट में हम लोग सीख लेंगे। पर्टिकुलर में आने वाले सीरियल नंबर के साथ पहला कहां से शुरू करेंगे, तो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर में दिया हुआ है वही सब कुछ, रॉ मटेरियल के लिए कैलकुलेशन किस तरह से बनेगा। 500 यूनिट्स का पर वीक का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो 500 यूनिट्स इंटू ₹3, 500 यूनिट्स इंटू ₹3 पर यूनिट, वैल्यू होगी 1500, राइट। सिमिलरली जो सेकेंड आइटम हमारे पास में है वो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के लिए भी अगेन सिमिलर कैलकुलेशन, 500 यूनिट्स, लेकिन यहां पर यूनिट की जो प्राइस है वो पर यूनिट की प्राइस चेंज हो जाएगी, जो ₹3 दी थी वो हो जाएगी ₹4, जो कॉस्ट स्ट्रक्चर यहां पर क्वेश्चन में दिया था पर यूनिट के लिए वो अमाउंट होगी ₹2,000। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कितने हैं, 500 इंटू 2, 500 इंटू ₹2, अल्टीमेटली ₹1,000 वीकली अमाउंट रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो
कैलकुलेशन होता है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, इन तीनों को मिला के जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट बनती है, उस ओवरऑल कॉस्ट को हम लोग कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर भी हमें दी हुई है। पॉइंट नंबर फोर, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट अगेन 500 यूनिट्स इनटू रुपीस 9। अब ये 9 कहां से है? 342, 342, 9। टोटल आई 4500 इनकी टोटल अमाउंट की। ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि हो गए प्रॉफिट। प्रॉफिट और उसके बाद 6 नंबर पे है हमारा सेलिंग प्राइस या सेल्स। और प्रॉफिट और इनके लिए, दोनों के लिए यहां पर जो पर यूनिट की वैल्यूज है वो प्रॉफिट है ₹1 और सेलिंग प्राइस है ₹10। वैल्यूज आएंगी 1000 एंड 5000 रुपीज, राइट? ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर अ वीक बन गया, जिसमें सेल्स समय दिया हुआ है 5000, राइट? 500 हाँ, यहां पर आएगा, सॉरी 500 प्रॉफिट आएगा, 500, 500 इंटू 1 500 आएगा प्रॉफिट, और सेल्स जो होगा वो बन जाएगा 5000 रुपीज। नेक्स्ट, वीकली जो कॉस्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया सेल्स यूनिट के बेसिस पे और नंबर ऑफ यूनिट्स बी सोल्ड कैलकुलेट करने के बाद, अगला स्टेप जो आता है वो अगला स्टेप आता है एक्चुअल होल्डिंग्स कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए, जिसमें अलग अलग आइटम्स किस तरह से वैल्यूएशन होंगे उसे हम लोग कंसिडर करते हैं। अब इन सभी में, इस कॉस्ट स्ट्रक्चर में दिए हुए सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो वर्क इन प्रोग्रेस है, उन वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यूएशन करना हम लोगों को कहीं पर दिया नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस के लिए वैल्यू जो आएगी कैसे आएगी हम लोग आगे चल के देखेंगे, राइट? लेकिन उससे उसके बेसिस पे हम लोगों को अब क्या कैलकुलेट करना है, तो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब यहां से हमारा जो मेन स्टेटमेंट है, जो हमारे पहला अज्यूम द प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये सब कुछ देने के बाद, राइट, एस्टिमेट करना है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इन अमाउंट्स के लिए, राइट? अगेन सिमिलरली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद कैलकुलेशन हमारे समझने के लिए और लास्ट में अमाउंट। अब यहां पर एक बात याद रखनी है कि जो वैल्यूज है, जो वैल्यू हम लोगों ने पर वीक के लिए कैलकुलेट की करके रखी है अमाउंट्स, इन अमाउंट्स को हमें यूज करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल के लिए आने वाली करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों भी हम लोगों को कंसिडर करने होते हैं। करंट असेट्स कहाँ से मिलेंगे, करंट लाइबिलिटीज कहाँ से मिलेगी, ये हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए करंट असेट में आने वाले आइटम्स और करंट लाइबिलिटी में आने वाले आइटम्स हमें याद रहने चाहिए, जो हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते वक्त सीखे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वक्त, राइट? तो पहला पॉइंट जो आएगा वो सबसे पहले आएगा क्लोजिंग स्टॉक या फिर इन्वेंटरी। अब इन्वेंटरी कहाँ से मिलती है,
जो वर्किंग कैपिटल में आने वाले करंट असेट्स होती हैं, उन करंट असेट के बारे में अगर हम लोग इन्वेंट्री के बारे में सोचे तो इन्वेंट्री होती क्या है? इन्वेंट्री मतलब होती है जो हमारे फिनिश गुड्स होते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं और जो हमारे WIP होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, इन सभी को हम लोग कंसिडर करते हैं एज हमारी इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये हमारे लिए क्या होते हैं? इन्वेंट्री। अब इसमें से रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, राइट। फिनिश गुड्स जो होंगे वो फिनिश गुड्स के लिए वैल्यूएशन के लिए हम लोगों ने सीखा है, फिनिश गुड्स अगर वैल्यूएशन होंगे तो वो होंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मतलब क्या होते हैं कि जो हम लोगों के रॉ मटेरियल कन्वर्ट होते हैं और फिनिश गुड्स बनते हैं उसके लिए जितनी टोटल कॉस्ट लगेगी वो कन्वर्जन कॉस्ट, वो फैक्ट्री कॉस्ट हमारे लिए कंसीडर होती है फिनिश गुड्स के लिए, राइट। बचा क्या? तो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में आने वाले कौन कौन से आइटम कंसीडर होते हैं इनके लिए वैल्यूएशन? वर्क इन प्रोग्रेस में आने वाले आइटम्स रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, और इन्हें कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो मेथड वन हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, अगर कुछ दिया होता है तो जैसे दिया होगा वैसे। तो वैल्यूएशन के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए एक्सेप्ट द कोर करंट असेट्स, राइट। तो जो फिनिश गुड्स हमें मिल गए, रॉ मटेरियल हमें मिल गए, तो WIP के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये WIP होता क्या है जो हम लोगों ने अभी सीखा? WIP मतलब क्या होता है? WIP इज इक्वल टू रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, और ये ओवरहेड्स कैलकुलेट करते वक्त कौन से ओवरहेड्स नहीं लेने हैं? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो ओवरहेड्स होंगे उन्हें हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। और वैल्यूएशन करते वक्त, उनकी वैल्यूएशन करते वक्त हमें ये टेक्निक, ये मेथड याद रखनी है। रॉ मटेरियल 100% वैल्यू होंगे, लेबर और ओवरहेड्स 50% वैल्यूएशन होंगे, और जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो टोटल वैल्यू हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो सिक्स नंबर के लिए जो रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन है उसके लिए कैलकुलेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इससे हम लोग यहाँ से कॉपी करके WIP के लिए यहाँ पर नोट करके रखते हैं, ठीक है, फॉर WIP कैलकुलेशन। कि WIP जब वैल्यूएशन होगा तो वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन किस तरह से होगा? रॉ मटेरियल कितने होंगे? तो रॉ मटेरियल के लिए वैल्यू हमें कितनी मिली है? 1500 रुपीज। तो एज इट इज 1500 हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, प्लस लेबर, लेबर और ओवरहेड जो है इन दोनों का 50% हमें लेना है, जो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है, यहाँ पर भी दिया है लेबर और ओवरहेड्स। लेबर 2000 है और ये 1000 है, इन दोनों का मिला के 50% यहाँ पर लिया तो भी चलता है, या फिर इंडिविजुअली 50% लिया तो भी चलेगा। 1000 एंड प्लस कितना होगा? 500 है। ओवरऑल WIP जो होगी वो WIP के लिए अमाउंट हमारे लिए बनेगी ₹3000, ये होगी WIP कंसिडर। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP जो हमारे वर्किंग कैपिटल में आने वाले एक के बाद एक आने वाले आइटम्स हैं, राइट, जो हमारी इन्वेंट्रीज होती है। अब इन्हें कैलकुलेट करते वक्त साथ ही साथ में उसमें आने वाले डेटर्स, क्रेडिटर्स और कुछ एडिशनल लाइबिलिटीज अगर होंगी तो वो भी हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है। गिवन क्वेश्चन में हमें ओवरऑल क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, देन जिस पर्टिकुलर पीरियड में, डेज, वीक, मंथ्स में वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेट्स दिए होंगे उस एस्टिमेट्स में उनको कन्वर्ट करना, उन यूनिट्स को, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 500 यूनिट्स पर वीक कन्वर्ट किए। फिर उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो वीक, डे या फिर मंथ दिया होगा उसके लिए अमाउंट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी,
with the help of this units requirement plus additional calculation WIP के लिए करके रखना है, और फिर उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो चलो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब स्टेटमेंट स्टार्ट करते वक्त किस तरह से प्रिपेयर करें, रिक्वायरमेंट किस तरह से फाइंड आउट करनी है, ओवरऑल टोटल, ओवरऑल टोटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हो, लॉजिकली हमें सोचना है। अगर हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में सोचते हैं, जो हमारी इन्वेंट्री है, राइट, इन्वेंट्री में आने वाला आइटम्स, इन्वेंटरी, उसमें आने वाला पॉइंट ए रॉ मटेरियल। सोचने का तरीका, रॉ मटेरियल एक हफ्ते के लिए हमें 1500 रुपए का लगता है, रॉ मटेरियल एक हफ्ते के लिए हमें 1500 रुपए का लगता है, ऐसे हमारी वर्किंग कैपिटल के लिए होल्डिंग पीरियड जो दिया हुआ है वो 3 वीक्स का यहां पर दिया हुआ है। तो पूरे 3 हफ्तों के लिए हमें कितना अमाउंट सिर्फ रॉ मटेरियल परचेस करके रखने के लिए या होल्ड करने के लिए लगेगा वो फाइंड आउट करना। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एक हफ्ते के लिए 1500, तो 3 हफ्तों के लिए कितना, 4500। इन्वेंट्री में आने वाला सेकेंड आइटम विच इज फिनिश गुड्स, अगेन फिनिश गुड्स के लिए भी जो कैलकुलेशन यहां पर हम लोगों ने किया वही सेम कैलकुलेशन, वही सेम लॉजिक यहां पे हमें इस्तेमाल करना है फिनिश गुड्स के लिए। रुपीज 4500 एक हफ्ते के लिए, और जो होल्डिंग पीरियड है वो है 2 वीक, 2 वीक्स, तो टोटल 9000 विल बी द अमाउंट रिक्वायरमेंट फॉर द फिनिश गुड्स। एंड सी इन्वेंट्री में आता है, दैट इज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, रुपीज 3000 पर वीक। ऐसे WIP के लिए होल्डिंग पीरियड कहीं पर दिया है क्या, चलो बताओ। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो फैक्ट्री प्रोसेसिंग टेक्स 3 वीक। ये फैक्ट्री प्रोसेसिंग मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, जो प्रोसेस होती है उससे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर फैक्ट्री प्रोसेस। इसे 3 हफ्ते लगते हैं एक बार रॉ मटेरियल इनपुट करने के बाद फिनिश गुड्स का आउटपुट मिलने तक। तो अल्टीमेटली यहां पर हमें मिलते हैं 3 वीक्स की जरूरत होती है। 3000 × 3, अगेन 9000 की रिक्वायरमेंट। फर्स्ट आइटम इन्वेंट्री का हो गया। करंट असेट में आने वाले आइटम जो कि होंगे हमारे डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, राइट। तो ये सब कुछ कंसिडर करते वक्त जो डेटर्स हमारे होंगे, तो वो डेटर्स कैसे कंसिडर होंगे, तो डेटर्स को भूलना तो नहीं है, जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, दैट इज डेटर्स। अब डेटर्स कहां से मिलेंगे, डेटर्स कब मिलते, कब जनरेट होते हैं, जब हम लोग सेल करेंगे तब। क्वेश्चन में कहीं पर भी क्रेडिट सेल और कैश सेल इन दोनों का कोई भी डिफरेंस नहीं दिया था, तो हम लोग डेटर्स के लिए कंसीडर करेंगे, डेटर्स के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। तो जितना भी हमारा डेटर्स का टोटल सेल था वो टोटल सेल्स हमारा क्रेडिट सेल होगा, राइट। तो मतलब जो सेल्स की फिगर होगी वो हमारे डेटर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, राइट, यहां पर मैंने लिख के रखा है। अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ दिया है तो ये सेल्स एज अ क्रेडिट सेल हम लोग कंसिडर करेंगे, जिनसे हमें पैसे आने बाकी है वो डेटर्स हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ये डेटर्स का कलेक्शन पीरियड कितना दिया हुआ है, तो डेटर्स जो है हमारे कस्टमर्स 8 वीक्स के लिए दिया, 8 हफ्तों का क्रेडिट पीरियड दिया है हम लोगों ने उन्हें। तो 5000 × 8, रुपीज 5000 × 8 वीक्स विल बी द टोटल अमाउंट रिक्वायरमेंट
इज इक्वल टू 40,000, ये हमारे टोटल डेटर्स होंगे। जो गिवन क्वेश्चन है उसमें अभी हमारे पास में करंट असेट में इन्वेंट्रीज में आने वाले रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP, ये तीन आइटम प्लस डेटर्स, इतने ही करंट असेट के आइटम्स दिख रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के जो वैल्यू बनेगी उन वैल्यू को हम लोग कहते हैं टोटल करंट असेट्स। अगर दूसरी कोई असेट्स होती तो उन्हें भी वैल्यूएशन करते ऐड करते और टोटल करंट असेट यहां पर फाइंड आउट करते हैं। ये टोटल करंट असेट क्या होगी, तो इन चारों की टोटल कितनी होगी, टोटल तो अल्टीमेटली 62,500 विल बी द टोटल करंट असेट। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त पॉइंट नंबर 3 जो आएगा अब आज के क्वेश्चन के हिसाब से, वो होगा हमारे लिए लायबिलिटी साइड का। करंट लायबिलिटी आने वाले एक भी आइटम हमारे पास में क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक आइटम जो हमारे सप्लायर से जुड़ा होता है, जो हमारे रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ होता है, वो होता है क्रेडिटर्स, जो कि हमारे कौन से आइटम होते हैं, करंट लायबिलिटी के। क्रेडिटर्स मतलब क्या, कि जिन्होंने जिनसे हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस किया हुआ है, तो वो रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त हम लोगों ने उसे अगर क्रेडिट पे परचेस किया होगा तो उसे हम लोग वैल्यूएशन के लिए पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो थर्ड पॉइंट, जो क्रेडिटर्स है हमारा, उस क्रेडिटर्स को वैल्यू करते वक्त हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे टोटल रॉ मटेरियल इज इक्वल टू क्रेडिट परचेस। जो रॉ मटेरियल हम लोगों ने परचेस किया होगा वो सारा का सारा क्रेडिट परचेस किया है, ऐसे हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे। तो कैलकुलेशन के पर्पस के लिए रॉ मटेरियल की जो वैल्यू होगी वो क्रेडिटर्स के लिए भी इस्तेमाल होगी, राइट। तो 1500 रुपीज, रुपीज 1500 एक हफ्ते के लिए, ऐसे क्रेडिटर्स का जो होल्डिंग पीरियड है या सेटलमेंट पीरियड है, वो सेटलमेंट पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है सप्लायर्स अलाउ 6 वीक क्रेडिट, 6 हफ्ते, राइट। तो 1500 इंटू 6 वीक will be the amount required for the creditors and that is 9,000 rupees. तो total current asset जो हमारे पास में है, उस total current asset के साथ साथ हम लोग calculate करके रखेंगे total current liability, total current liability। अब यहाँ पर एक ही item है तो obviously हम लोग एक ही consider करेंगे। अगर यहां पे क्रेडिटर्स के साथ साथ दूसरा आइटम दैट इज बिल्स पेएबल भी आता तो वो भी हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे। तो टोटल करंट लायबिलिटी अभी के क्वेश्चन में है सिर्फ 9,000 रुपीज। इनके बेसिस पे हम लोग एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज एवरेज वर्किंग कैपिटल एवरेज वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगा, तो टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। 62,500 माइनस 9,000, 62,500 माइनस 9,000, ठीक है। तो आंसर आएगा 53,500। आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा कि सर ओवरहेड कंसीडर नहीं होगा का करंट लायबिलिटी के लिए, एक्चुअली करंट ओवरहेड क्या होते हैं, ओवरहेड हमारे रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग जब कंसीडर करते हैं तो हम लोग उन्हें WIP के कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने WIP का जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिया हुआ है वो 3000 जो वैल्यू कंसिडर की थी, जो हमें यहाँ से मिली थी, उनके कैलकुलेशन में हम लोगों ने रॉ मटेरियल
लेबर और ओवरहेड्स यहां पर कंसिडर किए थे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, तो रॉ मटेरियल एज अ 100%, 1500, लेबर और ओवरहेड्स इन दोनों का आधा, 2000 का आधा 1000 और 1000 का हाफ 500, तो यहां पर हम लोगों ने ओवरहेड कंसिडर किया था। डेटर्स के वैल्यूएशन के लिए, डेटर्स के वैल्यूएशन के लिए दो अलग अलग मेथड होती है, राइट। डेटर के वैल्यूएशन के लिए दो अलग अलग मेथड जो होती है, जिसमें मेथड वन सेल्स माइनस प्रॉफिट करके हम लोग यहाँ पर डेटर्स वैल्यू करेंगे, या फिर सेल्स इज इक्वल टू डेटर्स ये कंसिडर करके हम लोग डेटर्स वैल्यूएशन करेंगे। ये दोनों भी मेथड हमारे कैलकुलेशन पर्पज के लिए सही है, जो यूज करते हैं हम उसे यहाँ पर हमें एज अ नोट लिखना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल लिखा था, सेम उसी तरह से। तो अल्टीमेटली एवरेज वर्किंग कैपिटल जो हमें मिला वो है 53,500। ये एवरेज वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट है क्या? नहीं, ये एवरेज वर्किंग कैपिटल हमारे प्रेडिक्टेड फिगर है, राइट। तो इसे हम लोग एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहेंगे, जिसके लिए स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फाइंड आउट कैसे किया, तो टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटी 53,500 के लिए, क्लियर। अब इसके बाद ये तो कैलकुलेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद एडिशनली ये वर्किंग कैपिटल जो हम लोगों को पूछा गया था वो तो हमारा हो चुका है। उन्होंने क्या कहा, मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस भी कैलकुलेट करो, जो टंडन कमिटी ने हमें रिकमेंड किया था। टंडन कमिटी ने रिकमेंड किया हुआ यहां पर है, राइट। ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस MBPF के लिए रूल। अब हमारे पास में करंट असेट्स भी है, करंट लाइबिलिटीज भी है, उनमें इन फॉर्मूलाज को यहां पर इस्तेमाल करना है। अगर परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस कैलकुलेट करना है तो सिंपली मेथड्स यहां पर दी हुई है मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस के लिए, उनके बेसिस पे हम लोगों को गिवन क्वेश्चन में से मिली हुई फिगर्स को यूज करके एक्चुअल बैंकिंग फाइनेंस वहां पे कैलकुलेट करना है। और ये कब होता है, ये तीन कैटेगरीज किसके लिए हैं, तो एक जिन लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क के जो हमारे बोरोवर्स होंगे उनके लिए होंगे। तो हमें ये तीनों भी लेवल कैलकुलेट करके रखनी है, राइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो पहला कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट करने के लिए जो करंट असेट, करंट लाइबिलिटी और कोर करंट असेट, ये तीनों फिगर हमें लगने वाली है, राइट। तो गिवन इस फॉर्मूलाज में आने वाली करंट असेट हमारे पास में कितनी है, करंट असेट इज इक्वल टू हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखी है 62,500। करंट लाइबिलिटी जो है वो करंट लाइबिलिटी है 9,000 रुपीज, राइट। और लास्ट जो कोर करंट असेट हमें यहां पर लगने वाली है मेथड थ्री में, वो है 15% ऑफ द करंट असेट, मतलब जो हमारी 62,500 है इनटू 15% विल बी आर टोटल करंट असेट एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 9375। तो हमारे लिए तीन वैल्यूज मिल गई, राइट। तो इन तीनों वैल्यूज को हम लोग को ऊपर के फॉर्मूलाज में सिर्फ इस्तेमाल करना है। तो चलो फर्स्ट मेथड के हिसाब से MBF कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या दिया है, फर्स्ट मेथड में करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इंटू 75%, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इंटू 75%। तो वैल्यूज पुट अप करेंगे 62,500। अब ये तो डायरेक्टली हमें पता है वर्किंग कैपिटल कहते हैं इसे, 53,500, राइट। करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो यहां पर कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्टली 53,500 इंटू 75%
लिख सकते हैं, राइट। मैं यहां पर कैलकुलेशन लिख रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर करोगे चैट बॉक्स में फटाफट। पहले के लिए कितना होगा, वेरी गुड, 40,125। फर्स्ट का आंसर आएगा 40,125 रुपीज। दूसरा दूसरा कैलकुलेशन क्या है, 75% ऑफ द करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। कैलकुलेशन किस तरह से होगा, करंट असेट कितनी है 62,500 इंटू 75% लेस करंट लाइबिलिटी 9,000। चलो सेकंड के लिए आंसर मिलेगा 37,875। वेरी गुड ध्रुव, 37,875। और वही कैलकुलेशन थर्ड के लिए। अब थर्ड के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, जहां पर हम लोगों को डिफरेंस कैलकुलेट करना है कोर करंट असेट्स का। वेल, कैलकुलेशन किस तरह से होगा, करंट असेट 62,500 माइनस करंट, सॉरी कोर करंट असेट कितना है, कोर करंट असेट 9,375। इनका 75% इंटू 75%, ये एक हमारे लिए ब्रैकेट है इनडिफरेंस के लिए, राइट। और दूसरी इनका जो वैल्यू आएगा, इसमें से हमें माइनस करना है माइनस करंट लाइबिलिटी 9,000। तो आंसर आएगा 4th अब यहां पर ये देखो, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये जो फोर्थ वाला है, थर्ड वाला ऑप्शन, वो किस तरह से होगा, जो हमारे थर्ड के लिए कैलकुलेशन चाहिए, अगर ये कैलकुलेशन हम लोग अगर पहले के लिए करें तो ये कैसे होगा, तो यहां पर मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। थर्ड पॉइंट, कोर करंट असेट्स के लिए, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट असेट कितना है, करंट असेट है 62,500 माइनस करंट लाइबिलिटी, कोर करंट असेट 9,375, कितना है 62,500 माइनस 9,375, 53,125। इसका 75% लेना है, थ्री के लिए यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, 53,125 इंटू 75% माइनस 9,000। जरा सिंपल करके दिया, अब कैलकुलेट करके बताओ। चलो चैट बॉक्स में आंसर डालो फटाफट। ये 53,125 कहां से आया, समझ में आया सबको, जो हमारी कोर करंट असेट्स है, राइट। इसे हम लोग कहते हैं ध्रुव, ध्रुव 75% कैलकुलेट करने के बाद लेस करना है 9,000, 53,125 इंटू 75% माइनस 9,000, राइट, 30,843। ये जो कैलकुलेशन लोगों ने किया, ये क्या है, करंट असेट्स लेस कोर करंट असेट,
जो हमें थर्ड फॉर्मूला में लगते हैं। तो वैल्यूएशन में आंसर आया 30,843। क्लियर। तो क्वेश्चन में आने वाली जो कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस है, ये एक पॉइंट, और स्टेटमेंट ऑफ एवरेज वर्किंग कैपिटल के लिए ये दूसरा पॉइंट, राइट। हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसके लिए अलग अलग तरीके के कुछ दो चार क्वेश्चंस हम लोग ऑल सॉल्व करेंगे कि समझने में आसानी हो। जैसे कि आज करंट असेट में इन्वेंट्री और डेटर्स ये दो आइटम थे, और करंट लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स आइटम था। मे भी यहाँ पर बिल्स पेबल आता, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांसेस आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं, या शॉर्ट टर्म एडवांसेस गिवन आ सकते थे, या फिर बिल्स रिसीवेबल भी आ सकते थे। तो उनके लिए वैल्यूएशन किस तरह से होता है वो यहाँ पे हम लोग आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। एवरीवन, सबको क्लियर है?